हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुकिंग डिवास किचन। आज हम अपने नॉनवेज लवर्स के लिए एक सिंपल और डिलीशियस मटन करी लेकर आए हैं। इसके लिए मैंने हाफ केजी मटन लिया है, छोटा बोल कर्ड, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर एंड 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। ये कर्ड हम सबसे पहले इसमें डाल देंगे, हल्दी, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने मटन को मैरिनेट कर दिया है। अब हम इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। हम इसे ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। ये मटन फ्रिज में 2 घंटे रखने के बाद मैरिनेट हो गया है और मैंने निकाल लिया है फ्रिज से। मैं इसे सरसों तेल में बना रही हूँ। इसके लिए मैंने तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची और काली मिर्च लिया है, 2 मीडियम साइज के प्याज, 2 मीडियम साइज के टमाटर। अब हम प्याज को मिक्सी में पीस लेंगे। अब हम ये सबसे पहले तेल डाल लेंगे। अब हमारा तेल गरम हो गया है, सबसे पहले तेज पत्ता डालेंगे, फिर दालचीनी, 3 छोटी इलायची, ये लौंग और काली मिर्च। लोहे की कढ़ाई में भूनने से मटन का स्वाद और अच्छा आएगा। नेक्स्ट हम ये पिसा हुआ प्याज डालेंगे। हमारा प्याज भून गया है और प्याज ने तेल भी छोड़ दिया है। इसके बाद हम 2 मीडियम साइज के टमाटर की ग्रेवी पीस के प्याज के बाद डालेंगे। अब हम दोनों को साथ साथ भूनेंगे। अभी हमारा टमाटर भी भून गया है, अब हम मटन डालेंगे। 4 से 5 मिनट हम इस मटन को तेज आंच में भूनेंगे। पांच मिनट मटन को भूनने के बाद अब हम सारे मसाले डालेंगे। चम्मच नमक, बाकी आपके स्वाद अनुसार, क्योंकि हमने मैरिनेशन में भी थोड़ा नमक मिलाया था। 2 छोटे चम्मच लाल मिर्ची, बाकी आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटे चम्मच मटन मसाला। मटन को कम और तेज आंच करके 20 से 25 मिनट अच्छे से भूंजेंगे। जितना अच्छा मटन भूंजेगा उतना अच्छा उसकी रंगत फ्लेवर आएगी। भूनने के बाद देखिए मटन ने अपना तेल छोड़ दिया है और मटन का इतना सुंदर कलर आ गया है। अब हम मटन को प्रेशर कुकर में डाल करके 10 से 12 मिनट पकाएंगे ताकि मटन अच्छे से गल जाएगा। अब मैं मटन के अंदर पानी डाल दूंगी। बाकी आपको अगर रोटी के साथ खाना है मटन तो आप गाढ़ा रख सकते हैं, और चावल के साथ खाना है तो थोड़ा पानी ज्यादा डाल के उसको पतला रख सकते हैं।
10 से 12 मिनट प्रेशर कुकर में मटन को सीटी लगाने के बाद देखिए हमारा मटन बन के रेडी हो गया है। मैंने थोड़ा करी को पतला रखा है क्योंकि मुझे इसे चावल के साथ सर्व करना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।